धोनी भाई देख लो, आपको पता है टीम में क्या चल रहा है। हम और कसलबा दोनों कीपर होते हुए भी टीम से बाहर है। इस असुरी राहुल को, इस पलौटी को जबरदस्ती कीपर बनाया जा रहा है। बताओ हमारी कौन सुनेगा। अरे पंतिया, तो तुम रो क्यों रही हो यार, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ हाँ धोनी भाई, पंतबा सही बोल रहा है। हम दोनों कीपर होते हुए भी टीम से बाहर है और इस ससुरी लुल राहुल, इससे कीपरिंग कराया जा रहा है जबरदस्ती। हमें किसलवा तेरा तो चल तू बोलता है सही है, पंत तो साला लुल हो चुका है, इसका तो बैटिंग ही नहीं रहा। इसको टीम में रखे तो रखे किसके लिए। अरे धोनी भाई हमसे ऐसे मत बोलो प्लीज, आप ही हैं। अब आप भी ऐसे बोलोगे तो हमें टीम में कौन रखेगा। अच्छा धोनी भाई बताओ बताओ, मैंने कीपरिंग अच्छी नहीं की थी एकदम, और मैंने एकदम धाकड़ धासु 70 रन भी बनाया था टीम में, आधा स्कोर तो हमने ही बनाया था। अबे राहुल लुल तू शांत बैठ, जिस दिन हमको मौका मिल गया ना मैं साला शतक ठोक दूंगा। हाँ हमें मौका तो मिलने दे धोनी भाई, ये हमारे और पंतबा के साथ गलत हो रहा है। आप तो देखो कुछ करो प्लीज, आप भी हमारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। धोनी भाई बताओ हम और किशनबा कहाँ जाए, बताओ निकल जाए हरिद्वार के लिए तपस्या करने चले जाए, ये दुख तुमसे देखा जाएगा क्या। अच्छा तो आप ही सोचो सच्चे मन से बताओ, हमारा बहुत खुबड़िया खराब है धोनी भाई, हम बता रहे हम आत्महत्या कर लेंगे। इस राहुल से कीपरिंग करते हुए हमसे देखा नहीं जाता, इतना लंबा लट्ठा सा पीछे कूदता है तो बहुत हंसी आता है राहुल भैया।